दोस्तों सोचिए, आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड अचानक ही एक एडवर्टाइजमेंट पॉपअप आ जाता है या नीचे बार में या ऊपर बार में कहीं भी एडवर्टाइजमेंट दिखने लगा, कैसा लगेगा आपको? आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि मैंने मोबाइल परचेस किया है एंड उसमें अचानक से एडवर्टाइजमेंट दिखने लगते हैं। यही इशू होता है MIUI यानी कि Xiaomi के मोबाइल्स में, जगह जगह पर एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं, पॉपअप हो जाती हैं। तो आज मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सारे एडवर्टाइजमेंट्स Xiaomi के मोबाइल्स में, Redmi के मोबाइल्स में कैसे आप सारे एडवर्टाइजमेंट्स डिसेबल कर सकते हैं एंड एक एडवर्टाइजमेंट फ्री मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। एक और बात दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड उस बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो रिलीज़ करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप सारे वीडियोस का लाभ उठा सके। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इंडिया में Xiaomi फेमस है सिर्फ दो चीज़ों के लिए, सस्ते एंड अच्छे क्वालिटी फोन्स एंड MIUI एडवर्टाइजिंग। भले हमको एडवर्टाइजमेंट लगते हैं लेकिन Xiaomi उसको बोलता है रिकमेंडेशंस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे आप सारे Xiaomi के रिकमेंडेशंस डिसेबल कर सकते हैं, कैसे Xiaomi की सारी एडवर्टाइजमेंट्स डिसेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट फ्री फ़ोन यूज़ कर सकते हैं MI का। इस चीज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 7S जो कि MIUI ग्लोबल 11.0.9 के ऊपर अभी अपडेटेड है। लेकिन यह वीडियो यूज़ करके आप अपने MIUI 10 या UI 9 के अंदर के भी एडवर्टाइजमेंट्स या रिकमेंडेशंस डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब चीज़ों के अंदर सेम ही जगह पे सेटिंग्स हैं। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट होगा वो आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब प्लेटफॉर्म के लिए सेम ही तरीका है, मेथड है डिसेबल करने का एडवर्टाइजिंग्स। तो चलिए देखते हैं कैसे आप डिसेबल कर सकते हैं सारे एडवर्टाइजमेंट्स। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देखते हैं कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स अपने MIUI के अंदर। सबसे पहले एक चीज़ जो हमको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि अगर कोई भी ब्लोटवेयर हो या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हो जो हम यूज़ नहीं करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो उसे हमको रिमूव कर देना चाहिए, फिर चाहे वो प्री इंस्टॉल्ड आया हो या फिर हमने डाला हो। कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है वो हमको रिमूव कर देना चाहिए मोबाइल के अंदर से। अब बढ़ते हैं हम सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स में गए एंड जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको डिसेबल करना है वो है पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी के अंदर। नीचे जाइए, उसके अंदर ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन, इसके अंदर MSA करके जो ये फैसिलिटी है ये हमको डिसेबल करनी है। MSA का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है MIUI सिस्टम एड्स, इसे डिसेबल करते हैं। डिसेबल करेंगे तो 10 सेकेंड्स का टाइमर देगा ये, जो कि 10 सेकेंड्स बाद हम इसको रिवोक कर सकते हैं। कई अलग वर्जन्स MIUI के दूसरे वर्जन्स के अंदर हमें 2-3 बार ट्राई करना पड़ सकता है ताकि वो रिवोक हो। कई बार नहीं होता है, कई बार हो जाता है, 2-3 बार करने से वो हमको डिसेबल करने का ऑप्शन दे देता है। तो वो एक हमको ध्यान रखना है कि हमें 3-4 बार ट्राई करना है, कई बार फर्स्ट ट्राई में हो जाता है, कई बार मल्टीपल ट्राइज में भी नहीं होता है। ये देखिए जैसे कि हमारा दूसरी बार में ये डिसेबल हो गया। और इसी के साथ अगर हम गेट ऐप्स यूज़ नहीं करते हैं तो गेट ऐप सर्विस को भी हमें डिसेबल कर देना चाहिए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि सिस्टम एड्स दिखाता है। एंड इसके बाद हम अदर सेटिंग्स में भी जाएंगे। ये किया हमने रिवोक एंड ये डिसेबल हो गया। अब दूसरी सेटिंग की तरफ हम जाते हैं जो कि ऑथराइजेशन एंड रिवोक के ऊपर ही आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाके नीचे स्क्रॉल करके हमें यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम डिसेबल करना चाहिए एंड सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली, ये भी डिसेबल करना चाहिए। एंड उसके नीचे ही आता है एक ऐड सर्विसेज। ऐड सर्विसेज में जाके पर्सनलाइज ऐड रिकमेंडेशंस भी हमें डिसेबल कर देना चाहिए। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिसेबल कर देनी चाहिए। बैक जाकर अब हम आते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन में जाके एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक आता है ऑप्शन शो सजेशंस, ये हमें डिसेबल कर देना चाहिए ताकि होम स्क्रीन पे कोई एडवर्टाइजमेंट्स या सजेशंस हमको नहीं मिले। होम स्क्रीन के बाद हम फटाफट से बढ़ते हैं ऐप्स की तरफ। ऐप्स के अंदर सबसे पहले हम जाते हैं सिस्टम ऐप्स। सिस्टम ऐप्स में जाकर सबसे नीचे स्क्रॉल करना है हमको सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशंस, इसे डिसेबल कर दीजिए रिसीव रिकमेंडेशंस। उसके बाद हम जाते हैं क्लीनर की तरफ। क्लीनर खुलेगा, क्लीनर के अंदर नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड आपको दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशंस, इसे भी डिसेबल कर दीजिए। रिसीव रिकमेंडेशंस डिसेबल कर दिया। बैक करके हम वापस से जाते हैं सिस्टम ऐप्स में नीचे स्क्रॉल करके म्यूज़िक की तरफ। म्यूज़िक की तरफ जाते ही जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशंस, जो कि हम डिसेबल कर देंगे।
और फिर उसके बाद दूसरे दिखेंगे सॉन्ग रिकमेंडेशंस जो हम और डिसेबल करते हैं एंड सम ऑनलाइन रिकमेंडेशंस ऑन द स्टार्टअप। ये तीनों चीज़ हम डिसेबल कर देते हैं ताकि हमको म्यूजिक ऐप के अंदर भी कोई भी रिकमेंडेशंस या कोई भी टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखे। फिर हम बैक करते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं MI ब्राउज़र की तरफ। MI ब्राउज़र में जाकर नीचे स्क्रॉल करके सबसे पहले एडवांस, एडवांस में जाके जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा शो एड्स जो कि हम डिसेबल कर देते हैं। शो एड्स डिसेबल करके बैक गए, फिर गए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। इसके अंदर पर्सनलाइज सर्विसेज हमको डिसेबल कर देनी है। फिर से बैक गए, बैक जाकर एक कंटेंट फीड भी हमको डिसेबल कर देना चाहिए। अगर आपको ब्राउज़र ओपन करते ही कोई न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट्स कुछ नहीं देखने हैं तो ये डिसेबल कर देना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ चलती है, अगर आपको ओके लगता है तो उसको ऑन रखिए, नहीं तो मेरी तरफ से मैं तो इस चीज़ को डिसेबल कर देता हूँ कंटेंट फीड को। फिर बैक जाते हैं और ये हमारे सिस्टम ऐप्स सेटिंग्स सारे सेट हो चुके। फिर बैक गए, अब हम जाते हैं मैनेज ऐप्स के अंदर। मैनेज ऐप्स के अंदर जाकर ऊपर ये तीन डॉट है उस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए एंड सेटिंग्स में जाते ही रिकमेंडेशंस करके जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसको डिसेबल कर दीजिए। ये हो गया हमारा मैनेज ऐप्स। फिर हम जाते हैं ऐप लॉक की तरफ। ऐप लॉक में आप जैसे ही जाएंगे एंड अपना पासवर्ड डालिए, उसमें ये मैंने आपको सेटिंग के लिए दिखा रखा है, कैंसिल किया एंड ऐप लॉक में ऊपर जो ये बना हुआ है उसके अंदर जाइए, सेटिंग्स में जाइए एंड इधर आपको दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशंस जो कि हमको डिसेबल कर देना है। ये डिसेबल कर दिया, अब हमारे ऐप लॉक के अंदर से भी सारे एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस डिसेबल हो चुके हैं। ये तो थे हमारे सेटिंग्स के अंदर जो भी रिकमेंडेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स डिसेबल करने थे वो सब चीज़ें हमने डिसेबल कर दी हैं। अब हमको इंडिविजुअल जो ऐप्स है उसके अंदर जा के कुछ सेटिंग्स हमको डिसेबल करनी है, जैसे कि MI एक्सप्लोरर जो आता है, फाइल मैनेजर जो आता है उसके अंदर रिकमेंडेशंस आता है। तो फाइल मैनेजर में चले जाइए, फाइल मैनेजर में जाके ऊपर जो ये तीन लाइंस है, ये तीन लाइंस पे हमको क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, अबाउट में जाना है एंड अबाउट के अंदर ये रिकमेंडेशंस है जो कि हमको डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट फाइल मैनेजर के बाद आता है MIUI की थीम्स। अगर हम थीम्स इंस्टॉल करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो थीम के अंदर रिकमेंडेशंस काफ़ी आते हैं। थीम्स में अगर आपको रिकमेंडेशंस डिसेबल करना है तो थीम्स में जाके माई पेज में जाइए, माई पेज में जाके सेटिंग्स एंड सेटिंग्स के अंदर आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएगा जो कि आप डिसेबल कर सकते हैं। डाउनलोड फोल्डर के अंदर भी आपको रिकमेंडेशंस दिखेंगे जो कि काफ़ी इरिटेटिंग थिंग है। ये जाइए डाउनलोड्स के अंदर एंड सिमिलरली डाउनलोड के अंदर जाके ये जैसे आप हेलो ऐप का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, नीचे टॉप डाउनलोड्स देख सकते हैं, ये सब हमको नहीं चाहिए। हम अपना डाउनलोड कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं डाउनलोड ऐप, हमको ये एडवर्टाइजमेंट्स रिकमेंडेशंस की क्या ज़रूरत है। तो ऊपर ये तीन डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए एंड शो रिकमेंडेड कंटेंट डिसेबल कर दीजिए। एक बार आप ये रिकमेंडेड कंटेंट डिसेबल कर देंगे, देखिए बैक जाइए, आपका एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा डाउनलोड्स। नेक्स्ट हम जाते हैं MI वीडियो के अंदर जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट वीडियो ऐप होता है। ये MI वीडियो के अंदर गए एंड MI वीडियो में जाते ही आपको डिफ़ॉल्ट सब एडवर्टाइजमेंट्स एंड जो भी आपको कंटेंट जो आपको नहीं देखना है, मे बी आपने रिकमेंड नहीं किया हो तो भी ये आपको फालतू के कंटेंट दिखाएगा जो कि हमको नहीं चाहिए। इसमें जाइए प्रोफाइल्स में, सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में जाके ऑनलाइन रिकमेंडेशंस बंद, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस बंद एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको पुश नोटिफिकेशंस नहीं आए MI वीडियो की तरफ से तो आप पुश नोटिफिकेशंस भी वीडियो के लिए डिसेबल कर सकते हैं। एक और जगह एडवर्टाइजमेंट है, रिकमेंडेशन है जो कि कुछ MIUIs के अंदर आता है, कुछ के अंदर नहीं आता है, वो है फोल्डर्स के अंदर। जैसे आप ये फोल्डर्स एक्स्ट्रा में जाएंगे, ये देखिए नीचे ये प्रोमोटेड ऐप्स दिखाता है, इसे भी डिसेबल करने के लिए सिंपल है, ये जो ऊपर एक्स्ट्रास लिखा है उस पर टैप कीजिए एंड प्रोमोटेड ऐप्स करके आपको यहाँ पे ऑन दिखाएगा, बस इसे डिसेबल कर दीजिए एंड बाहर क्लिक कीजिए, आपके वो फोल्डर्स के अंदर भी प्रोमोटेड ऐप्स डिसेबल हो जाएंगे। ये प्रोमोटेड ऐप्स खाली जो इनबिल्ट पहले से जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स आते हैं उसके अंदर ही दिखाते हैं, आप न्यू फोल्डर्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं। एक लास्ट जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते रिकमेंडेशन से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो है ऐप इंस्टॉलेशन की जगह पे। जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर, कोई भी एक आप ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन के अंदर। एंड ये APK इंस्टॉलर चालू हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स आती है यहाँ पर APK इंस्टॉलर के अंदर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं डिटेल्स। इसे डिसेबल करने के लिए
ये ऊपर व्हील पे क्लिक किया एंड यहाँ पे रिसीव रिकमेंडेशन डिसेबल कर दी, क्लिक कर दिया ताकि रिसीव रिकमेंडेशन डिसेबल हो गया। एंड ये था लास्ट। अगर आपको ये ऑप्शन डिसेबल करना है तो इसके लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, ताकि ये एपीके इंस्टॉलर आपका ओपन हो सके एंड आप वहाँ पर जाकर ये रिसीव रिकमेंडेशन डिसेबल कर सके। ये तो सारी जगह जहाँ पर MIUI के अंदर रिकमेंडेशन और एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। और एक और जगह कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, वो है लॉक स्क्रीन पे जब आप जाते हैं तो जो ये ग्लैंस करके फीचर आता है इसे डिसेबल करने का। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फीचर कैसे डिसेबल करते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपको सिर्फ डिसेबल करना है तो सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में आप जब जाते हैं सेटिंग्स में स्क्रॉल कीजिए लॉक स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ग्लैंस फॉर MI में जाकर इसे टर्न ऑफ कर दीजिए। अभी जब आप बैक निकल के जब आप लॉक करते हैं एंड री ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा टर्न ऑन ग्लैंस। अगर आपको ग्लैंस टोटली रिमूव करना है तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको सिस्टम के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर में जाइए एंड प्ले स्टोर में जाकर सर्च में वॉलपेपर कैरोसेल सर्च मारिए। ये आपके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आएगा लेकिन आपको कहीं भी दिखाएगा नहीं सिस्टम। वॉलपेपर कैरोसेल में जाके इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक बार आप इसे अनइंस्टॉल कर देंगे, एक बार ये अनइंस्टॉल हो गया उसके बाद जब आप वापस से लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्लैंस का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, उसकी जगह पे आपको टॉर्च का ऑप्शन दिखेगा। आप जब स्लाइड करेंगे तो आपको नॉर्मल टॉर्च मिलेगा, ना कि वो वॉलपेपर कैरोसेल या MI वो ग्लैंस का ऑप्शन मिलेगा जिससे वो एडवर्टाइजमेंट्स एंड सभी अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप Xiaomi के यूज़र नहीं हैं या Redmi के यूज़र नहीं हैं तो अपने Redmi के फ्रेंड्स को या Xiaomi के फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यूज़ कर सकें, वो भी देख सकें इस वीडियो को एंड अपने फ़ोन्स में से एडवर्टाइजमेंट्स रिमूव कर सकें। एंड ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेक्निकल ज्ञान चैनल को। अगर आपके कुछ रिकमेंडेशंस हैं या आपके कुछ थॉट्स हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि हमको भी पता चले आप क्या सोचते हैं या आप किस चीज़ पे और वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। बाय।